धरती सोलर सिस्टम की एकमात्र ऐसी प्लेनेट है जिस पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। हम अर्थ पर रहते तो हैं, पर ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिसके बारे में हम अवेयर नहीं है। वन, एज ऑफ द अर्थ। क्या आपको पता है कि धरती की एज 4.543 बिलियन ईयर्स है, मतलब कि 454 करोड़ ईयर्स। अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि अर्थ की एज साइंटिस्ट ने कैलकुलेट कैसे की होगी। तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि रेडियोमेट्रिक डेटिंग टेक्निक से कैलकुलेट किए साइंटिस्ट ने अर्थ की एज। यह एक टेक्निक है जिसमें साइंटिस्ट किसी भी पत्थर या किसी भी मटेरियल की एज कैलकुलेट करते हैं। तो इससे आप समझ ही गए होंगे कि सबसे पुरानी जो पत्थर मिली है हमें वो 4.5 बिलियन ईयर्स पहले की है, यानी धरती की फॉर्मेशन की टाइम की। और इससे हमें पता लगता है कि हमारी धरती 4.5 बिलियन ईयर्स पुरानी है। नंबर टू, टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। वैसे तो धरती की एवरेज टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अर्थ पर ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं जहां टेम्परेचर नॉर्मल से बहुत ज़्यादा डिफर करती है। 10 जुलाई 1930 को डेथ वैली यूनाइटेड स्टेट्स पर आज तक की सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड की गई है, जो 56.7 डिग्री सेल्सियस है। अगर लोएस्ट टेम्परेचर की बात की जाए तो वो है -89.2 डिग्री सेल्सियस, जो जुलाई 21, 1983 को वोस्टोक स्टेशन पर रिकॉर्ड की गई थी। नंबर थ्री, द अर्थ वॉज वंस बिलीव टू बी द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। पहले के साइंटिस्ट यह सोचते थे कि अर्थ यूनिवर्स की सेंटर है और सारी प्लैनेट्स और सन इसके चारों ओर घूमती है। इस मॉडल को कहते हैं जियोसेंट्रिक मॉडल। फिर ये बंदा आया, निकोलस कॉपरनिकस। इस बंदे ने हेलियोसेंट्रिक मॉडल को प्रेजेंट किया। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, सन अर्थ के चारों ओर नहीं घूमती बल्कि अर्थ सन के चारों ओर घूमती है। और ये तो हम जानते ही कि जियो मॉडल गलत है और हेलियो मॉडल बिल्कुल सही। नंबर फोर, द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज ग्रेजुअली स्लोइंग डाउन। जी हाँ, आपने अपने कानों से बिल्कुल सही सुना, अर्थ की रोटेशनल स्पीड धीरे धीरे स्लो होते जा रही है। अगर हम डी एक्सेलेशन रेट की बात करें तो ये 17 मिली सेकेंड पर 100 ईयर्स की है। पर अर्थ की स्पीड कम क्यों हो रही है? क्या है ना कि मून अर्थ से दूर खिसकता जा रहा है लगभग 3.78 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से, और इसलिए धरती की रोटेशन स्लो होती जा रही है। धरती मून से जितना दूर जाएगी अर्थ की रोटेशन उतनी स्लो होती जाएगी। 3.78 सेंटीमीटर पर ईयर तो सुनने में ज्यादा नहीं लग रहा होगा, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि ये अमेजिंग क्यों है। कुछ 454 करोड़ साल पहले जब चांद नया नया था, तब चांद धरती के बहुत ज्यादा ही सामने था, और उस वक्त हर एक दिन लगभग 6-7 घंटे का होता था। लेकिन आज लगभग 450 करोड़ साल बाद मून दूर खिसकता गया और धरती स्लो होती गई, और इसलिए आज हर एक दिन 24 घंटे की होती है। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में भी धरती और स्लो होती रहेगी। 14 करोड़ साल बाद धरती की हर एक दिन की ड्यूरेशन 24 से 25 आवर्स में बदल जाएगी। नंबर 5, रेवोल्यूशन स्पीड ऑफ द अर्थ। हम लोग सब जानते हैं कि अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है, लेकिन इसकी रेवोल्यूशन स्पीड पता है आपको कितनी है? इसकी रेवोल्यूशन स्पीड है 30 किलोमीटर पर सेकेंड। जितनी देर तक आप मेरी ये वीडियो देखे उतनी देर में अर्थ ने 6120 किलोमीटर ट्रैवल कर ली है। अमेजिंग बात तो यह है कि धरती अकेले ही नहीं बल्कि आपको भी साथ साथ ट्रैवल करवा रही है। इसका मतलब आप भी 30 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से रिवॉल्व कर रहे हो, लेकिन आप इसे फील नहीं कर पा रहे हो। है ना ये कूल बात? दैट्स व्हाट अमेजिंग अबाउट अर्थ। प्लीज लाइक दिस वीडियो इफ यू हैव एंजॉयड इट, कमेंट इफ यू हैव एनी क्वेरीज। ये चैनल अभी नया नया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लो, ये बटन पर क्लिक करके या फिर इसके नीचे वाले बटन पर क्लिक करके। आगे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं इस चैनल पे, आपको बहुत मजा आएगा, सब्सक्राइब कर लो।